तेल अवीव के हथियार गोदाम में भीषण आग लग गई है। हथियार गोदाम से रिहायशी इलाके में आग फैली हुई है। आग की ऊंची लपटों और धमाकों से दहशत पूरे इलाके में है। हथियार गोदाम में लगी आग की जांच जारी है। हमला या साजिश, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, तेल अवीव में आग, ईरान की साजिश की बात क्यों सामने आ रही है, बड़ी खबर क्या है आपको जल्दी से बता देते हैं। जो डेवलपमेंट हुए हैं वो अपने आप में बहुत अहम माने जा रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो ये कि भीषण आग से हथियार के गोदाम खाक हो गए। गोदाम में विनाशक हथियार रखे हुए थे, इसकी आशंका जताई गई है। साजिश का शक आखिर क्यों जताया गया है? इसराइल ने ईरान पर 100 विमानों से हमला किया, 100 फाइटर जेट्स एक साथ गरजे ईरान पर इस अटैक के लिए। ईरान इसराइल से हमलों का बदला लेना चाहता है। अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। इसराइल ने ईरान की मिसाइल ड्रोन यूनिट को निशाना बनाया है। क्या इसराइल के हथियार गोदाम को भी टारगेट किया गया है? और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे युद्ध की कुछ ताजा अपडेट्स लेकर। लेकिन मेजर जनरल वीके दत्ता, जो सवाल हमने अपने दर्शकों के सामने भी रखा है, उसका जवाब आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि अब अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है इन हमलों के बाद इसराइल के, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा और बड़ा हो सकता है, इसकी आशंका तो लगातार बनी हुई है। क्या ऐसा होगा? देखिए, ऐसा है कि जो इसराइल ने अभी काउंटर अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो जो इनका 1 अक्टूबर का मिसाइल हमला था ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर, उसके जवाब में किया था। और अभी 1 अक्टूबर के बाद ये कल जो हमला हुआ है, तकरीबन 25-26 दिन लग गए इसराइल को ये काउंटर करने के लिए। इसका कारण ये था कि सबसे पहले इसराइल अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्षम बनाना चाह रहा था, कि कुछ एक खामियाँ पाई गई थी जब 1 अक्टूबर के ईरानी हमले के दौरान, तो उसके चलते इन्होंने थाट सिस्टम अमेरिका से ला के सदर्न इसराइल में डिप्लॉय किया, ताकि जो हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसको थाट के माध्यम से रोका जाए। उसके बाद में इनका जो एरो एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो डेविड स्लिंग, और लास्ट में जो इनका आयरन डोम। तो ये क्या हो गया, 4 लेयर तो होगी जो काउंटर मिसाइल सिस्टम, 5वीं लेयर में इनकी एयरफोर्स आ जाती है, और 6ठी लेयर में जो अमेरिकन और यूके के नेवल असेट्स हैं जो कि अभी चारों तरफ डिप्लॉयड हैं, मेडिटेरेनियन में भी, रेड सी में भी, उनके माध्यम से भी ये मिसाइल्स को रोकने की चेष्टा की जाती है। और उनकी भी एयरफोर्स, आपको याद होगा जब पिछली बार पहला अटैक हुआ था ईरान के द्वारा, तो अमेरिकन और ब्रिटिश एयरफोर्स ने भी इसराइल की मदद करी थी। तो सबसे पहले इसराइल ने अपना जो डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया, ताकि ये जब हमला करें और अगर ईरान उसका काउंटर करे तो उसको सही तरीके से रोक पाएँ। दूसरा क्या है कि जो टारगेट सेलेक्ट करे इसराइल ने, वो सारे मिलिट्री टारगेट थे, और इन्होंने न्यूक्लियर और पेट्रोलियम जो इनके वेल्स हैं उनको टारगेट नहीं किया, क्योंकि नेतन्याहू साहब को बताया गया था जो बाइडेन साहब के द्वारा कि आप इनको टारगेट मत कीजिए, नाइदर न्यूक्लियर नाइदर पेट्रोलियम बेस। तो इन्होंने मिलिट्री टारगेट सेलेक्ट किए, इनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग IRG हेडक्वार्टर्स, इनके जो एक आदि लैब है कोई जो न्यूक्लियर का जहाँ रिसर्च चलता है, तो ऐसे टारगेट सेलेक्ट करे, सिर्फ मिलिट्री टारगेट, और 100 हवाई जहाज इन्होंने लॉन्च करे। और ये इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी क्षमता बताता है कि अगर 100 हवाई जहाज इसराइल से 2000 किलोमीटर दूर जाके मिसाइलें मार के वापस सुरक्षित आ सकते हैं,
तो इनकी काबिलियत क्या है? तो फिर इतनी ताकत इसराइल की समझी जा सकती है कि इसराइल क्या कर सकता है और आगे क्या कर पाएगा। बहरहाल हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी है, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास। एक बड़ी खबर है, ईरान पर हमलों से जुड़ा वीडियो अब सामने आया है, जो ईरान पर हमले किए गए इसराइल की ओर से। इसराइली वायुसेना की तैयारी का ये वीडियो है, वायुसेना के विमानों की तैयारी का देखिए ये वीडियो है। जब तैयारी हो रही थी कि ईरान पर हमला बोलना है, उससे पहले का ये वीडियो है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है कि अपने जेट्स को, अपने फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है और धार दी जा रही है। अब ये देखना होगा कि इसराइल का अगला चरण क्या होता है, क्या एक बार फिर से इसी तरह का हमला करेगा ईरान पर, क्या ये जो पूरा वॉरफेयर चल रहा है, ये पूरी जंग चल रही है, ये न्यूक्लियर वॉरफेयर में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। और वहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल को जवाब देने की तैयारी में है ईरान। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ की धमकी, सही समय पर उचित जवाब देगा ईरान, ये कहा गया है। इसराइल के हवाई हमलों पर ईरान दरअसल भड़का हुआ है और कहा जा रहा है कि सही समय पर सही जवाब जरूर दिया जाएगा इसराइल को। और नेतन्याहू का जो इंतकाम है वो खत्म, अब ईरान शुरू करेगा जंग, क्या ऐसा है, दावा क्या किया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। दावा दरअसल ये हो रहा है कि इसराइल से ईरान बदला लेगा और ईरान हमला करेगा। ये जो बारिश आप देख रहे थे आसमान में, ये तो हमला किया इसराइल ने, लेकिन ईरान क्या करेगा? तो इसराइल से ईरान बदला लेगा, ये दावा हो रहा है। ईरान में जवाबी प्रहार की तैयारी भी तेज हो गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है वजह क्या है, इसराइल के हमलों के बाद ईरान में मंथन चल रहा है। जी हाँ, जवाबी हमलों के लिए रणनीति बनाई गई है। ईरान से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और बताया भी जा रहा है कि जवाबी हमला होगा जरूर। ईरानी उपराष्ट्रपति की उचित जवाब देने की चेतावनी भी इस बीच सामने आई है। अब देखिए सवाल क्या है, आपको बताते हैं, क्या ईरान इसराइल पर 1 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा? जो ईरान ने किया ये 1 अक्टूबर को किया, लेकिन 25 दिनों बाद इसराइल ने वही प्रहार ईरान पर किया। श्रीवास्तव सर, आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध का अगला चरण होगा, जो अभी किया गया है इसराइल की ओर से, वो कहा जा रहा है कि हमने तो रेवेंज लिया ईरान से, जो आपने 1 अक्टूबर को किया था ठीक वैसा ही बदला हमने लिया, लेकिन क्या इस अगले चरण की जो लगाम है, कमान है, वो अमेरिका के हाथ में है? अमेरिका इशारा करेगा तब इसराइल अगले चरण में आगे बढ़ेगा, फिर ईरान क्या करेगा? निधि, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का एक बयान ये भी आया है कि हमने जो किया था, हमारे पर जो घात हुआ था, उसका प्रतिघात हमने कर लिया है और अब हम इसके आगे फर्दर प्रतिघात नहीं करेंगे जब तक कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। ईरान को भी एक मंथन करना पड़ेगा कि इतना बड़ा पैकेज ऑफ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, इतनी दूरी पर जा करके इतने सेफली उनको अटैक करके वापस चला गया, जिसमें इसराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर इसको वो अपने ध्यान में रखेंगे तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अभी जो टारगेट सेलेक्ट किए थे वो मिलिट्री टारगेट्स थे और कोई ऐसा टारगेट सेलेक्ट नहीं किया जिससे कि वहाँ पर वहाँ की इकॉनमी और या वहाँ की जो इन्फ्लेशन वाली चीज़ है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं वो टेल स्पिन में चली जाएं। तो एक सोचने वाली बात होगी ईरान को जवाबी हमला करने से पहले। और जहाँ तक अभी लगता है सारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा आसपास के सारे देशों ने इसको कंडेम किया है, इंक्लूडिंग इंडिया ने। तो ये सब ये होता है कि एक डिप्लोमेटिक वो साजो सज्जा बन रही है कि अब शायद पीस की तरफ ये हिस्सा बढ़े। लेकिन जनरल साहब ने सारे डायमेंशंस का इस्तेमाल बता दिया था कि कैसे चारों तरफ से हार्ड अटैक हो सकता है, बट देयर आर 2 डायमेंशंस मोर। एक डायमेंशन इनका है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और दूसरा है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का, इसे हम साइबर वॉरफेयर भी बोलते हैं। ये 2 डायमेंशंस का इस्तेमाल होता रहेगा क्योंकि बहुत विजिबल नहीं होते हैं और वो शुरू हो गया है इसराइल की तरफ से। इसराइल का देखिए उनकी क्या रणनीति रही, उन्होंने लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, जो प्रॉक्सी वॉर फाइटिंग मशीनरी थी इन टर्म्स ऑफ हमस, हिजबुल्ला, हूती, इनके लीडरशिप को अटैक किया। यूएस ने हूती के टारगेट्स को भी अटैक किया और जहां तक एक हम बोलते हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है वो चलता रहेगा, चाहे वो गाजा में हो या साउथ लेबनान में हो, उसको मोइंग द ग्रास भी बोलते हैं कि जो नीचे है वो उसको आपको धीरे धीरे ख़त्म करना है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा साउथ लेबनान में जो इसराइल का ऑफेंसिव है, उसका रीज़न ये है कि वो सारे सुरंगें बनी हुई हैं, असला बहुत पड़ा हुआ है और फाइटर्स अपनी जगह हैं, लीडरशिप ख़त्म हो गई है, लेकिन उसमें स्लो मूवमेंट होगा इसराइल का। स्लो ही होना उनके लिए हितकर है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि स्लो मूवमेंट ही हितकर है और अभी
इसी स्ट्रेटजी पर इसराइल आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि ये होम ग्राउंड है हिजबुल्ला के लड़ाकों को, और यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवानों की भी काफी संख्या में जाने जा रही हैं। वहीं ईरान बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है, इसराइल को बारूदी जवाब देने की तैयारी की जा रही। इसराइली हमलों पर ईरानी सेना की धमकी, हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है, ये कहा गया ईरान की सेना की तरफ से। इसराइल को उचित समय पर जवाब जरूर दिया जाएगा, ये ईरान ने इसराइल को इन हमलों के बाद चेतावनी दी। एक और बड़ी खबर, ईरान की बड़ी जंगी तैयारी है, नए डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। अब खुरदाद डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है और ईरान अब इस फिराक में है कि कब बदला लिया जाएगा इसराइल से। तो इसीलिए ये जो तैयारी है ईरान की बहुत अहम है, जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तैनात करने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर सकते हैं, ये ताजा इजरायली हमले जब हुए ईरान के ऊपर तो पता भी चल गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का जिक्र यहां जरूरी है। ईरानी प्रतिशोध का डर प्रहार विध्वंसक, आशंका देखिए क्या है, इसराइल के हमलों का विध्वंसक जवाब देगा ईरान। संकेत जो मिल रहे हैं वो किन तस्वीरों से मिल रहे हैं, जो हमने आपको दिखाई, नए सिरे से डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही, कई जगह खुरदाद डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। खुरदाद की ताकत आप जानते हैं, 100 से ज्यादा टारगेट को एक साथ ट्रैक करने का मादा रखता है। 350 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने में यह सक्षम है। जरूरी बात देखिए क्या है, खुरदाद को ईरान ने ओमान की खाड़ी में तैनात किया था, अमेरिकी MQ-4C मिसाइल को यह नष्ट कर चुका है, यह है इसकी ताकत। और हमारे साथ अमिताभ जी भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखते हैं ये जो एयर डिफेंस का एक कवच ईरान तैयार करने में लगा हुआ है, और इसमें एक बड़ा सहायक जो मुल्क है वो ईरान का साथी रूस भी है, जिसने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं, और ताजा इजरायली हमलों में हमने देखा कि किस तरह से इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान का बचाव किया। ये ईरान और रूस का जो गठजोड़ है ये आने वाले वक्त में और आपको मजबूत होता हुआ दिखता है क्या? देखिए, ईरान और रूस का गठजोड़ और उसके साथ चाइना का जो उनका आर्थिक गठजोड़ है वो बरकरार रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जितनी भी तैयारी आप दिखा रहे हैं या जो हो कर रहा है ईरान, मुझे नहीं लगता कि ईरान अब कोई काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि ईरान डिफेंसिव रहना चाहेगा। लेकिन जब तक गाजा में, जब तक हिजबुल्ला पे अटैक हो रहा है, ईरान हमेशा वल्नरेबल रहेगा। और यही नहीं, जितने भी ईरान द्वारा समर्थित मिलिशिया हैं, चाहे हूती हों, हिजबुल्ला हो, हमास हो, या सीरिया में जो उनके रेजिस्टेंस हैं, उन सब पर वो अटैक करता रहेगा किसी न किसी तरह। और इनके जितने सपोर्टर्स हैं या IRGC के कमांडर जो लीड करते हैं उनको, मिलिशियाज़ को, उनको वो ट्रेन करता रहेगा, उन पर अटैक होने की ज़्यादा संभावना है। कब ईरान रिएक्ट कर सकता है, हमने पहले भी देखा है कि ईरान ने कब अटैक किया था, या जो अप्रैल में उसने अटैक किया था जिसमें करीब 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स अटैक हुए थे, उसमें सिर्फ इसीलिए किया गया था कि इन्होंने इनके एक IRGC कमांडर को सीरिया में मारा था उनके एम्बेसी में। तो उस तरह की संभावना अभी भी बनी हुई है, इसीलिए इसराइल ये नहीं चाहता है कि ईरान के जो पिछले अटैक हुए थे जिसमें 180 मिसाइल और ड्रोन मारे गए थे, उसमें मिनिमम डैमेज हुआ था इसराइल को, एक व्यक्ति घायल हुआ था और कोई बड़े एस्टेब्लिशमेंट इनके बर्बाद नहीं हुए थे। तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक भी था कि इन्होंने अटैक किया उस 100 जेट प्लेन्स के साथ। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब तक हमास हिजबुल्ला के खिलाफ जंग जारी रहेगी इसराइल की, उसको देखा जाएगा कि किसी न किसी तरह ईरान इसको समर्थन कर रहा है, और ईरान के उस कैपेबिलिटी के जो इसमें समर्थन देते हैं उसको इसराइल हमेशा अटैक करते रहेगा। चांसेस अभी भी हैं कि ईरान उन अटैक्स को जो इनके इंडिविजुअल्स पे किए जाएंगे या जो इनके एक्सटर्नल IRGC लीडर्स हैं उन पे किए जाएंगे, अगर अटैक करता है तो ईरान करेगा। और ईरान यही नहीं, न्यूक्लियर जो उनके इंजीनियर्स हैं या जो उनके फिजिसिस्ट हैं उन पर भी अटैक करता रहा है। 2013 में, 2021 में इन्होंने अटैक किया है, इसके पहले 2020 में हमने देखा है कि एक बहुत बड़े IRGC कमांडर को इराक में इन्होंने मार गिराया था। उसके
वो चीजें चलती रहेंगी। तो जो भी इस समय रूस और ईरान की जो दोस्ती है वो आगे भी बढ़ेगी, और रूस और ईरान इस समय एक दूसरे के पूरक हैं। आपने देखा भी होगा कि मिसाइल के अलावा जो, या जो मिसाइल कंपोनेंट्स के अलावा वो ड्रोन्स बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, और ईरान पर रूस इस समय बहुत डिपेंडेंट है। बिल्कुल, ताकत बढ़ाने के लिए सर बड़ी बात आप कह रहे हैं अमिताभ सर, कि ये कोशिश है कि जो रूस और चीन नज़दीक है ईरान के, उस पर भी सीधा सीधा मैसेज जाए कूटनीतिक स्तर पर, जो अमेरिका भी करना चाह रहा है और इसराइल वाया इसराइल के जरिए ये सब हो रहा है। मैं आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर है, इसराइल के हमलों के बाद अमेरिका का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन क्या है? मिडिल ईस्ट में 20 F-16 फाइटर जेट भेजे हैं जर्मनी के स्पैन हर्लेम एयरबेस से, ये विमान भेजे गए हैं यूएस सेंट्रल कमांड का। ये बड़ा ऐलान है, इसराइल पर ईरान से पलटवार की आशंका है। तो ईरान इस कोशिश में है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार ये कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट पर, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ताकत बढ़ाने की कोशिश हुई है, इसराइल पर ईरान से पलटवार की अब आशंका बढ़ गई है। और इस बीच अमेरिका की ईरान को चेतावनी सामने आई है, इसराइल पर हमलों की गलती ना करे ईरान। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह धमकी दी है, इसराइल ईरान का टेंशन खत्म होना चाहिए, यह कहा गया है अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से। लेकिन इस बयान में ईरान के लिए सीधे सीधे धमकी भी है कि इन हमलों का जवाब देने की कोशिश मत करना। तो अमेरिका से संकेत तो मिल रहा है कभी भी महायुद्ध हो सकता है। आइए आपको बताते हैं लॉयड ऑस्टिन जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या संकेत है। इसराइल पर हमलों की गलती न करे ईरान, ये कहा जा रहा है। डर क्या है? खाड़ी देशों को ईरान से हमलों की आशंका है और ऑयल फील्ड पर हमला कर सकता है ईरान। ईरान जहां जो सबसे बड़ा तेल भंडार है उसको लेकर ये संकेत मिल रहे हैं। अब वजह क्या है? ईरान ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर धमकी दी थी। जहां इसराइल ने खाड़ी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, ये भी एक अहम वजह है। अमेरिका करेगा क्या, कर क्या सकता है? ईरान ने हमले की हिमाकत की तो अमेरिका जवाब देगा, इसकी पूरी आशंका बनी हुई है। और ऐसे वक्त में अगर ऐसा वक्त आया तो इस युद्ध को कहां तक पहुंचा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका क्या करेगा? दत्ता जी, क्या लगता है आपको, अगर ईरान जैसा कह रहा है वैसा उसने कर दिखाया कि हमले का उचित जवाब जरूर दिया जाएगा, इसराइल पर ईरान के हमले हो गए और ईरान और इसराइल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस जंग में एक दूसरे के खिलाफ हो गया, तो फिर अमेरिका क्या कर सकता है और फिर रूस का रोल क्या होगा? क्या एक बार फिर इस जंग के अमेरिका वर्सेज रशिया बनने के आसार, आशंका नजर आती है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जंग शुरू किसने कराई? ये ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज द्वारा जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उसके बाद हमास का जो कार्रवाई थी, फिर हिजबुल्ला ने रॉकेट डालने शुरू कर दिया 8 अक्टूबर 2023 के बाद, और ये मान के चले कि जो भी हमले इसराइल के ऊपर तब से हो रहे हैं वो ईरान ही करवा रहा है, और उसके बाद में जो डायरेक्ट असॉल्ट किया उन्होंने अपने मिज़ाइल वगैरह फायर करके, तो इसराइल को पूरा हक बनता था कि ईरान को रिटेलिएट करे, क्योंकि जो हाइड्रा का हेड तो वो ईरान ही है, उसके प्रॉक्सीज के जो हाथ पैर हैं उनको भी काट रहा है और उसके हेड को भी वार्न किया है कि आप अगर ये लगातार करते रहेंगे तो हम हमला करेंगे। अभी अगर ईरान काउंटर करता है इस हमले के बाद, और वो उन जगह को टारगेट करता है कि जिन्होंने और फ्लाइट की परमिशन दी, चाहे सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, तो फिर क्या होगा? जंग एस्केलेट हो जाएगी, उसके अंदर अमेरिका भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वार्न किया इसराइल ईरान को कि आप ये कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जहाँ पर कि आप ऑयल इंस्टॉलेशन को टारगेट करें, तो फिर आपके ऊपर रिटेलिएशन हो जाएगा। अगर वो बड़ा रिटेलिएशन हो जाता है तो फिर ही आप मान के चलें, चाहे वो इसराइल और ईरान है, चाहे वो अमेरिका ईरान है, तो फिर रशिया ईरान और अमेरिका, ये दो गठबंधन जो पहले से बने हुए हैं ये एक्टिवेट हो सकते हैं और जंग फैल सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के द्वारा, क्योंकि प्रेपरेटर वो हैं, इन्होंने शुरू कराया था काम, और इनको सहम के चलना पड़ेगा कि अगर ये इसको और बढ़ावा देंगे तो, अगर अभी लिमिटेड ऑफेंसिव किया इसराइल ने, सिर्फ मिलिट्री टारगेट को टारगेट किया है, तो आगे चल के इसराइल और अमेरिका और भी बड़े टारगेट को चुन सकता है और ज़्यादा तबाही मना सकता है। और इसलिए ईरान को बिल्कुल केयरफुली इंटरनेशनल
फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कार्रवाई सोचनी पड़ेगी और ना ही करे तो अच्छा रहेगा। ईरान को फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा और कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहा जाता है, ईरान अब उस आधार पर वार करेगा। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान पर हमलों को लेकर बाइडेन का बयान आया है। देखिए, अमेरिका लगातार नजर बना के रखा हुआ, अब मिडिल ईस्ट में तनाव का अंत होगा ये बाइडेन कह रहे हैं। इसराइल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, इसराइल को डिफेंड किया गया है, ये कहा गया है कि जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर वार किया गया है, कोई ऑयल रिफाइनरी या ऑयल जो ठिकाने हैं उन पर वार नहीं किया गया। ईरान पर हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं है, ये बात क्लियर करी है जो बाइडेन ने। देखिए, इसराइल और ईरान का ये महासंग्राम क्या रंग लाएगा, महाविनाश का अलार्म कैसे बज रहा है आपको बताते हैं। और अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम है, वो अमेरिका जो कि इसराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन कह रहे हैं अब मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने की उम्मीद है, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसराइल के हमलों के बाद ईरान पलटवार जरूर करता है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। जी हाँ, पहला सबूत क्या है और दूसरा सबूत, पहला सबूत जानिए। 13 अप्रैल को इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ है। दूसरा सबूत, 1 अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसाइलें दागी गई हैं। तो अमेरिका की नजर है, पर अमेरिका अपने आप को इस मोड पर भी रखा हुआ है कि अब सवाल क्या है, 26 अक्टूबर के हमले का जवाब कैसे देगा ईरान। यही सवाल मैं आपके पास आ रही हूं श्रीवास्तव सर, इसी सवाल को लेकर कि अब ईरान पर देखिए, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान, क्या करेगा ईरान, क्योंकि अमेरिका ने भी एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि सीधी भूमिका उसकी नहीं है, ये सब किया इसराइल ने है, लेकिन इसराइल ने मिलिट्री टारगेट्स किए हैं, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं किया है, तो अब ईरान क्या करेगा। देखिए निधि, ईरान को ये पता है कि इस बार इसराइल ने जो हमला किया है वो सोची समझी रणनीति के तहत किया है और US को बता के किया है, ये पब्लिक डोमेन में है और वो ये जानते हैं कि हमला चुन के किया है, मेजर्ड अटैक है, बहुत ही लिमिटेड तरीके से हुआ है और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे हुआ है, कोई ऑयल इंस्टॉलेशंस या कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक नहीं किया गया है। तो ये उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अब ईरान बहुत संभल जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनकी लीडरशिप जो है, सवाल ये कि क्या सिर्फ ऊपरी हमला होगा जैसे इसराइल ने किया डराने के लिए, अब ऊपरी हमला होने की भी गुंजाइश बहुत कम। ईरान क्या करेगा, ईरान ऐसे ही ईरान अब इस पर डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ प्रतीकात्मक जो बोलते हैं उस तरह के हमले की बात करेगा, बातें बहुत होंगी लेकिन समझौते की तरफ ये बढ़ेगा जैसा कि बाइडेन ने कहा है। अगर ये नहीं बढ़ता है तो इस वक्त इसराइल के पास जो दो ऑप्शन है जो उन्होंने अभी तक इम्प्लॉय नहीं किए हैं फुली और एग्रेसिवली, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का। ये दोनों ऑप्शन वो डिप्लॉय करेंगे तो उनके जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो बहुत डीरेटेड हो जाएंगे, उनमें हमला करने की शक्ति ही नहीं बचेगी और ईरान के पास बहुत ज़्यादा सस्टेंड एरियल वॉरफेयर की इतनी शक्ति नहीं है, सिर्फ उन्हें इसी को इस्तेमाल करना है। तो ईरान अब ये समझ गया है कि अगर हम इस हमले का कोई बहुत एग्रेसिव सा वो जवाब देते हैं तो हमें पूरी तरह से क्रिपल कर दिया जाएगा। ये अभी तक आपने उसको डिप्ले आउट करके नहीं देखा, का जवाब दिया गया तो उसका अंजाम क्या होगा ये बहुत हद तक ईरान को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी धमकियां तो जारी की जा रही हैं, हमले होंगे क्या ये एक अहम सवाल है। वहीं ईरान पर इजरायली हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, हमले से पहले इसराइल ने सीरिया इराक को टारगेट किया, सीरिया और इराक की एयर डिफेंस बैटरियों को तबाह कर दिया गया, एयर डिफेंस बैटरियों और ड्रोन्स को बनाया गया निशाना, ऑपरेशन में रुकावट खत्म करने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। अगली खबर भी आपको बता दें, इजरायली हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। इजरायली हमले में अब तक 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हमने आपको कल बताया था किस तरह टॉप अफसरों की मौत हो रही है ईरान में, और हमले में जो घायल कई सैनिक हैं उनकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है और मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है जो इसराइल ने हमला किया। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और वहीं इजरायली हमलों के बाद ईरान ने सुरक्षा बढ़ाई है, ईरान ने 5 लेयर में सुरक्षा घेरा तैयार किया है, कई तरह के डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है, S-400 से बावर तक तैनात किए गए, 24 घंटे अलर्ट मोड में है ये पूरा सुरक्षा घेरा, क्योंकि इस वक्त
एयर डिफेंस मजबूत करने की कवायद ईरान के अंदर चल रही है। अगर ईरान अब इसराइल के इन हमलों का जवाब देता है और इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं ईरान पर, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स का कवच ही ईरान की रक्षा करेगा, इसलिए पूरा जोर इस पर दिया जा रहा है। और ईरान ने एयर डिफेंस का ये पूरा सुरक्षा घेरा कैसे तैयार किया है ये आपको बताएंगी निधि। दरअसल ईरान ने अपनी सुरक्षा में 5 लेयर का मजबूत घेरा तैयार किया है, ये इसे 5 लेयर कहा जा रहा है। पहली लेयर में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है जो रूस से मिला है ईरान को। अब दूसरी लेयर में देखिए रूस से मिले S-300 डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है ईरान की सुरक्षा के लिए। तीसरे घेरे में रूस का पंशिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, ये तीसरा लेयर है। इसके बाद ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की गई है, इसका नाम खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने आपको बताया पहले। और जो पांचवी और अंतिम श्रेणी है, जो लेयर जिसे कहा जा रहा है, बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। बावर भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ही है। अब खास बात क्या है ये भी जानिए। इसराइल ने जब पहले चरण में ईरान पर ड्रोन अटैक किया तब बावर एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले एक्टिव हो गया और उसने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम से पहले ड्रोन को ट्रेस करके उन्हें तबाह कर दिया। ये इंटरसेप्शन की कार्रवाई थी। ठीक इसी तरफ दूसरे और तीसरे चरण के हमलों में भी बावर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट फुट पर था और उसने इजरायली फाइटर जेट से निकलने वाली जो मिसाइलें हैं हवा में ही उसे नष्ट कर दिया। अमिताभ सर देखिए ये तो होता है कि ये तैयारी होती है कितने लेयर्स में आप अपने डिफेंस को, अपने सुरक्षा कवच को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ईरान अब इस मोड पर है कि वो रिवेंज लेगा, उसी मोड पर रिवेंज लेगा जो वो इसराइल से लेना चाहता है, या फिर वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कूटनीतिक चाल में कि पहले अरब देशों को तो साध लें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे? देखिए इसका एक इतिहास भी है। पिछले बार हमने देखा था अप्रैल में जब ईरान ने पहली बार अटैक किया था, उसके जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ इसराइल में नहीं के बराबर हो। उसके बाद इसराइल ने अटैक किया और ऐसे जगहों पर किया जो उनके लिए बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे इस्फहान में किया और उनके जो जितने भी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके आसपास कर दिया कि वो दिखा दिया कि हम ये अटैक कर सकते हैं। उसके बाद भी ईरान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ईरान ने कब रिस्पॉन्ड किया? जब उसके सीरियन एम्बेसी पर अटैक हुआ और उसके आर्मी जनरल IRGC के मारे गए। तो इस तरह ये देख के लग रहा है कि ये प्रोवोकेशन पे प्रोवोकेशन हो रहा है। ईरान और इसका जवाब दे चुका है, ईरान अभी चुप बैठने वाला है, ये मेरा असेसमेंट है। लेकिन वो तब तक चुप रहेगा जब तक उसके इमीडिएट इंटरेस्ट जो भी हैं, अगर उसके लोग मारे जाते हैं या फिर एक अटैक होता है तब वो रिएक्ट करेगा। और जितने भी 5 लेयर 6 लेयर आप जो भी बता दें उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इसराइल और अमेरिका के आगे कुछ नहीं है। और ईरान ये बात जानता है, ईरान ये भी जानता है कि ईरान अमेरिका का ट्रूप प्रेजेंस है, जो थर्ड मिसाइल सिस्टम्स, एंटी मिसाइल सिस्टम जिन्होंने लगाए हैं उसको अमेरिकन्स मैन कर रहे हैं। उसमें से एक भी अमेरिकन हताहत होता है तो अमेरिका में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आपको याद होगा 2019 में जब इनके कमांडर मारे गए थे IRGC के बगदाद में, उसके बाद इन्होंने इराकी भूमि के अंदर अमेरिकन बेसेस को अटैक किया था जिसमें करीब 90 अमेरिकन सैनिक हताहत हुए थे। उसके बाद भी अमेरिका ने बहुत रिस्ट्रेन किया और अगला अटैक नहीं होने दिया। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि सब जानते हैं इस समय पूरी दुनिया एक बड़े टेन्युअस पीस में है, किसी भी समय ये पीस गड़बड़ हो सकता है। अगर ईरान पर लार्ज स्केल अटैक किए जाए, इनके न्यूक्लियर ऑयल और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया जाएगा, तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल, युद्ध का दायरा ऐसे में बहुत बढ़ सकता है, इसकी आशंका निश्चित तौर पर प्रबल हो जाएगी ऐसे में। वहीं लेबनान के फ्रंट से कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं। लेबनान में बारूदी प्रहार का सिलसिला जारी है। इजरायल ने दाहिया में एक बार फिर बम बरसाए, लड़ाकू विमानों ने यहां भीषण बमबारी की है। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर दाहिया के अंदर एक बार फिर इजरायल ने निशाना बनाया है। दाहिया वो इलाका है जो कभी हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था और इसे किस तरह से तबाह किया इजरायल ने ये देखिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कि इसराइल के गलीली में भीषण आग लग गई है। लेबनान के रॉकेट अटैक के बाद यह आग लग गई, हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दागे थे रॉकेट।
देखिए, इजरायली हमलों के बाद ईरान की तरफ से एक बयान आया है, गाजा और लेबनान की सुरक्षा हम करते रहेंगे, यानी गाजा और लेबनान के साथ खड़ा है ईरान, ये बताने की है कोशिश ईरान के इस बयान के जरिए। इजरायली हमलों के बाद ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गाजा और लेबनान की सुरक्षा ईरान आगे भी करता रहेगा। तो देखिए ईरान की तैयारी क्या है और इसराइल को ईरान जवाब कैसे देगा, आइए आपको समझाते हैं। ईरान की विनाशक चाल जो है वो मध्य पूर्व में महासंग्राम लाने की कुवत रखती है। इसराइल वर्सेस ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान, जिसमें हिजबुल्ला को भी आप काउंट कर लीजिए, गाजा में हमास, यमन, और यमन की सेना तो कहीं नजर आ नहीं रही है, वहां से मोर्चा अगर संभाला हुआ है तो वो हुती विद्रोहियों ने संभाला हुआ है, तो इन सब के साथ मुकाबला करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है अमेरिका के सहयोग से। अब आगे क्या होगा, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है, ईरान जो है वो इन तमाम मुल्कों को साधकर इसराइल पर वार करेगा। ईरान 25 अक्टूबर की रात के हमले का बदला लेगा जो 25 अक्टूबर को हुआ, अपने सभी सहयोगियों को और प्रॉक्सी की मदद लेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, ये लड़ाई इसराइल वर्सेस सारे मुल्क हो गई है मिडिल ईस्ट में। रणनीति क्या है ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, रणनीति देखिए, इसराइल को अलग अलग फ्रंट पर उलझाने की जा रही है कोशिश। इतने सारे फ्रंट्स खोल दिए गए हैं इसराइल के खिलाफ, इसराइल पर एक साथ कई देशों का हमला मुमकिन है। ईरान आने वाले वक्त में करेगा क्या, इसको लेकर आगे भी हम बात करते रहेंगे और मैदान जंग से जो तमाम अहम अपडेट्स आ रही हैं तस्वीरों के साथ आप तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचाता रहेगा। फिलहाल तमाम खास मेहमानों का यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।